जमा हो जाओ। जहां मेरे रसूल का जिक्र हो रहा है, जब रब कायनात फरिश्तों को हुक्म देकर भेजे, वो महफिल हमारी है तुम्हारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए फख्र के साथ हम कहते हैं कि लोग हमारी महफिल में जरा आ जाओ। ऐसी महफिलें तो बारह हर जगह होती हैं, मगर जो लुत्फ आता है, जो सुरूर आता है, जो खुशी महसूस होती है, जो जज्बा मिलता है मोहब्बत की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह खास इसी महफिल में मिलती है। बेशक बेशक, हक है, दुनिया की किसी और महफिलों में नहीं है, हक है। और अब आइए दो बातें कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत मुबारका को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इसमें मिलाद का तो जिक्र नहीं है, अब जितना जिक्र मिलाद है दलाइल के साथ आप सब समाप्त फरमा चुके हैं। और ऐसा नहीं यहां से उठ जाओ तो भूल जाओ, इसलिए बारहा ये महफिलें जमा की जाती हैं ताकि ऐसी ऐसी बातों को सुनो और दिल को रोशन करो, दिल को पुरनूर करो, याद रखो और दूसरों को भी याद दिलाओ, खासकर उनको। बात समझ में आ रही है ना? तो वो आयत करीमा सलाम अलल मुरसलीन, इसका तर्जुमा मैं आप लोगों को सुना दूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा है, सलाम अलल मुरसलीन, सारे रसूलों पर सलाम, सारे रसूलों पर सलाम। अब ये मत पूछना आदम को सलाम भेजा है नूह को नहीं भेजा, ये मत पूछना शिश के लिए भेजा है दाऊद के लिए नहीं भेजा, इब्राहिम के लिए भेजा है इस्माइल के लिए नहीं भेजा अलैहिस्सलाम, ये मत पूछना। अल्लाह तबारक तआला ने तो सारे रसूलों के लिए भेजा है, जिनमें सारे रसूल आ गए हैं, जो सबसे पहले आदम अला नबीना सलातु तस्लीम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना सलातु तस्लीम तक जितने नबी व मुरसल आए ये सब आ गए, और साथ साथ इमामुल मुरसलीन हमारे तुम्हारे रसूल भी। तो सलाम भेजना ये किसकी सुन्नत है? अल्लाह, ये किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत। मेरे पास ऐसा नहीं चलेगा, मैं सन्नाटे में तकरीर नहीं करता, मैं बोलता जाऊं आप खामोश खामोश खामोश, ऐसा नहीं। एक बात मैं करूंगा तो दूसरी बात आपकी तरफ से हो। हमारे मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब को तो मालूम है शायद आप लोगों की तबीयत कैसी है, हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं आप, मेरी तबीयत से वाकिफ है कि नहीं? इतनी मुदल्लिल तकरीर आप फरमा रहे थे, मगर आप में, मैंने अक्सर गौर किया, आप में फुर्रा नहीं आया ना, सुभान अल्लाह अंशा अल्लाह आदर कुछ भी नहीं। अरे ये तो बात वही हमारी जैसी हो गई जहां हजरत ईसा अला नबीना सलातु तस्लीम तकरीर कर रहे थे, लोग इसी तरह सर्दी में खामोश पत्थरों की तरह बैठकर सुन रहे थे हजरत ईसा अला नबीना सलातु तस्लीम फरमाते जा रहे थे, लोग खामोश सुनते थे। अल्लाह को सबर नहीं आया, अल्लाह को सबर नहीं आया तो फरमाया लोगों मेरा महबूब मेरा ईसा इस तरह तकरीर करता हुआ समझाता हुआ आ रहा है और तुम पत्थरों के मालूम सुन रहे।